नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारत के 150 युवक आईएसआईएस में भर्ती होने की फिराक में। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत में भी अपनी जड़ें जमाने की योजना बना रहा है। जो खबरें आ रही है वे बहुत चौंकाने वाली है। पता चला है कि भारत में अपने पैर पसारने के लिए 150 युवक इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस में भर्ती होने की फिराक में हैं। इन युवकों में अधिकांश दक्षिण भारत के हैं। सरकार का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है और वो ऐसे युवकों की जानकारियां जुटाने में जुट गया है। आतंकी बनने की कोशिश में लगे युवकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में कहा था कि जब दुनिया के कई देश आतंक से जूझ रहे हैं तो ऐसे में भारत भी अछूता नहीं है। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद की मौत पर सस्पेंस बरकरार। पेरिस के एक उपनगर में पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी के बाद पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद की मौजूदा स्थिति की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अभी तक उसके मारे जाने के बारे में सस्पेंस बरकरार है। इस छापेमारी में एक महिला आत्मघाती हमलावर समेत कम से कम दो लोग मारे गए थे। फ्रांस पुलिस की ये छापेमारी 7 घंटे तक चली। पेरिस के प्रोसिक्यूटर फ्रांसवा मोलिंस ने कहा कि इस छापेमारी के जरिए आतंकियों के उस दल को विफल कर दिया गया जो कि हमला बोल सकता था। दिल्ली सरकार ने दी जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे अब भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जन लोकपाल ठीक उसी तरह होगा जैसा मशहूर अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान प्रस्ताव किया गया था। दिल्ली सरकार जल्द ही जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। सिसोदिया ने कहा कि इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस विधेयक के मसौदे में ये प्रावधान भी है कि जन लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है और ये उत्तराखंड के लोकपाल विधेयक की तरह है जिसमें समयबद्ध जांच का प्रावधान है।